सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुन सर, विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बच्चों, कैसे हो, बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का लेक्चर नंबर 6। ओके, द टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी यहाँ हम क्या करते थे, जैसे छूटक छूटक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, यानी कि समझ में आ रहा है, छूटक छूटक यानी कि ऐसे कंटिन्यूअस नहीं था। समझ लो, एक मेरे पास एक लाइन है और उसके ऊपर कंटिन्यूअस ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द चार्जेस, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसमें तीन टाइप के, लीनियर जो जनरली लाइन के ऊपर डिपेंड है, सरफेस जिसके अंदर एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा, और वॉल्यूम जिसके अंदर जो चार्ज है वो पूरे एक वॉल्यूम के अंदर 3D समझ सकते हो आप, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे दे कि ये जो है वो इट्स नॉट पार्ट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। जनरली उसके जो फॉर्मूलाज है वो याद रखने, थियोरिकल बहुत कम केस में आते हैं, लेकिन इन केस आ गए 1% भी हम चांसेस नहीं ले सकते अपना मार्क होने का। बच्चों, जब 100% मार्क्स का आपका रिजल्ट का आपका गोल हो, तो कोई भी एक ही छोटी सी चीज भी आपको आई थिंक नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, यदि आप अपना गोल हाई रखते हो तो। ओके, तो इसको भी हम क्यों नजरअंदाज करें, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना बहुत इजी तरीके से ट्राई कर रहा हूं, ओके, ये जो टॉपिक है ना उसको आपके सामने रखने के लिए बहुत इजी तरीके से, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं जनरली ऐसे समझने बैठे तो अलग अलग टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज, सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन में कराता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, पहले इंट्रोडक्शन किसका कराता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी कि क्या है, तो डेंसिटी यानी कि यदि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ऊपर आएगा चार्ज और नीचे आएगा लेंथ। समझ में आ रहे बच्चों, यदि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ऊपर आएगा चार्ज और नीचे आएगा एरिया, और यदि वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो ऊपर आएगा चार्ज और नीचे आएगा वॉल्यूम। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अब मैं उसका फॉर्मूला भी बना देता हूं, सॉरी सिंबल बता देता हूं, सॉरी लीनियर चार्ज के लैम्डा यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा यूज करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज के लिए रो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रो। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस टॉपिक के अंदर समझाना है, हर एक टॉपिक के अंदर, ओके, पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहे ये टॉपिक को। तो फर्स्ट हमें समझाना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मैं ना उसका नाम वैसे चलो लिख ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर चार्ज आएगा और नीचे लेंथ आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी तो जनरली उसका सिंबल सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम जनरली रो यूज करते हैं इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ए। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो एक तो पहले आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में समझा दो। अब समझ लो एक फिगर के थ्रू हमें आगे बढ़ना है इस टॉपिक को, तो क्या लिखना है सेकंड केस में, तो आपको एक यूनिट लिख देना है। पहले तो यूनिट होगा ऊपर कूलम अपॉन मीटर इनवर्स, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट होगा कूलम मीटर इनवर्स टू। आई होप समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ कूलम है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर इनवर्स, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कूलम मीटर इनवर्स। ओके श्योर, अब यहाँ मैं चार्ज को मेन बना, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, तो यहाँ मैं चार्ज को मेन बनाऊ तो सिग्मा इंटू ए, और यदि मैं यहाँ चार्ज, सॉरी
ओके, चार्ज को यदि मैं मेन बनाऊं तो रो इनटू, अरे यार कहां मैं भूल कर रहा हूं, हो जाती है यार गलती हो जाती है ओके। काफी बार क्या होता है वीडियो बनाने के टाइम कुछ दूसरी जगह आसपास में कोई चीज हो रही होती है तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है बेटा ओके, आपको फोकस रखना है इस वीडियो के ऊपर ओके श्योर, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट होगा तो अलग बात है मुझे नुकसान नहीं होगी, लेकिन आपका डाइवर्ट होगा तो आपको एग्जाम में नुकसान ही होने का चांसेस ज्यादा है। सो हम बात करते हैं चार्ज की, चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू वी। तो इतना क्लियर हो गया आपको क्या लिखना है, पहले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दो और वॉल्यूम चार्ज का बाद में लिख दो, यूनिट बाद में चार्ज का फॉर्मूला बना दो उसके ऊपर से। अब यदि डिटेल्स में आपको जाना है तो बेसिक में इंफॉर्मेशन आपको दू, तो पहले ये ग्राफ के बेस पे समझते हैं। समझ लो कोई लाइन है ऐसे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो सिमिलरली आपको समझ में आ गया यहाँ लीनियर चार्ज थी तो लाइन बनाई तो यहाँ फिगर बनेगी कुछ इस हिसाब से, एरिया जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिमिलरली यहां आपको बताना होगा वॉल्यूम, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब वो जो एरिया हमने लिया कंटिन्यूस लिया, अब उसमें से हम छोटा, क्योंकि हमें फाइंड करना है तो हम छोटा सा एरिया ले लेते, क्योंकि डायरेक्टली तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो छोटा सा चार्ज हम ले लेते जो स्मॉल लेंथ dl और इसके ऊपर जो चार्ज है वो ले लेते हम dq ओके। समझ में आ रहे बच्चों, अब समझ लो इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये सेकंड फिगर है उसमें एरिया है, हमने ds लिया, चार्ज लिया dq और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा। तो बच्चों यहां वॉल्यूम वॉल्यूम dv, चार्ज dq और चार्ज डेंसिटी उसकी रो है। तो ये जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से हम इतना जो अब जिसका वेक्टर हम यदि r ले, यदि वेक्टर उसका r ले, यदि उसका वेक्टर क्या ले हम r, या फिर r डैश भी ले सकते हो, अब अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, चलो r डैश ले लिया ओके। मेरी पीडीएफ जो मैंने बनाई है ना उसमें r डैश रखा हुआ है शायद, इसलिए मैंने, इसलिए जो आपको कंफ्यूजन ना करे बस इसलिए ओके। याद रखो बच्चों मैंने पीडीएफ अपनी लिंक के अंदर डाल दी हुई है तो आप डाउनलोड कर सकते हो ओके। जो आलसी लोग है लिखने का जिसको प्रॉब्लम हो जाता है ओके, क्योंकि मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, कोई भी टीचर्स परफेक्ट नहीं होता ओके, 100% चीज आपको समझा नहीं पाएगा, ओवरऑल चीज में समझा पाओ, काफी सारे ऐसे इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर होता है, लेकिन मैं आपको समझाने में बैठू तो बहुत लंबा वीडियो बनता है, तो आप मैं आपको मेन नेसेसरी चीज जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वही समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर, बाकी सारी चीज को आपको खुद एक्वायर करना होगा, उसके लिए आपको एसएल अरोरा है, एचसी वर्मा, इस टाइप की बुक्स को प्रिफर करना होगा ओके। अब हम आते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ dq इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ पॉइंट r डैश था तो लेमडा ऑफ r डैश, वैसे तो लेमडा सेम ही है लेकिन फिर भी, और लेंथ ले लेते हैं dl, तो यहाँ भी वही होगा चार्ज dq डैश कितना होगा, तो सिग्मा ऑफ r डैश इंटू ds, वैसे तो एरिया है वो वेक्टर है लेकिन यहाँ आप r डैश बार डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या dv इंटू रो, क्यों क्यों, क्योंकि जो क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक, पहले तो ये समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है तो पहले चार्ज डेंसिटी के बारे में समझा दो, वॉल्यूम लिख दो, क्यू का मेन फॉर्मूला फिगर और क्यू क्या जो टोटल चार्ज था उसकी जगह हमने जो एज्यूम किया छोटा सा एरिया लेंथ या वॉल्यूम उसका हमने चार्ज को ले लिया ओके okay? अब यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लिखना है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k क्यू बाय आई होता है कि नहीं बच्चों, k क्यू बाय आर, आई थिंक आपको समझ में आ गया बच्चों क्या करना है। अब वैसे यहाँ जो जनरली फॉर्मूला होगा dE मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपने यदि चार्ज, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यदि यहाँ मैं टोटल चार्ज लिखूं तो, लेकिन समझ लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस
ये जो इलेक्ट्रिक मिलेगी हमें थोड़ी सी फील्ड मिलेगी, डी छोटा सा पार्ट्स मिला, तो फॉर्मूला बनेगा इस हिसाब से के डी क्यू अपॉन आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कोई पॉइंट पे लेनी होती है। जैसे समझ लो मैं ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लू इस चार्ज की, तो यदि उसका पोजीशन वेक्टर आर है तो मुझे जो पोजीशन वेक्टर लेना होगा वो आर आर डेस लेना होगा। समझ में आ रहा है पक्का? पोजीशन वेक्टर क्या ले लेना होगा? आर आर डेस का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना बच्चों? अब डी क्यू की जगह क्या डाल सकते हो आप? वेरी गुड, लेमडा ऑफ आर डेस इंटू डी एल अपॉन आर आर डेस होल स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ डी डेस क्या होगा? के डी क्यू आर आर डेस स्क्वायर, के डी क्यू की जगह सिग्मा ऑफ आर डेस डी एस अपॉन आर आर डेस का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी वही फॉर्मूला मिलेगा, यदि वेक्टर फॉर्म में है तो ऐसे लिख सकते हो आप। समझ में आ रहे हैं? मैं आपको है ना वैसे डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया, लेकिन मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया। ओके, जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है, यदि कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जहां आपको खुद डिराइव करना पड़ता है फॉर्मूला, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। ओके, सो यहाँ फॉर्मूला मिलेगा आपको रो डीवी डेस, वैसे यहाँ पहले रो लिखना था, रो इंटू डीवी अपॉन आर आर डेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मिला आपको डीवी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यदि टोटल फील्ड फाइंड करनी है तो क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरा का पूरा। ओके, उसमें लिनियर इंटीग्रेशन, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन, इसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इज इक्वल टू लिनियर इंटीग्रेशन ऑफ डीई डेस। यहाँ वे फोर्स के फॉर्मूला से भी ये फॉर्मूला बन सकता है। ओके, यहाँ हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीई डेस, और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पक्का श्योर? अब क्या करोगे बच्चों? बस सिंपल सी चीज, ये फॉर्मूला यहां डाल देना है। ये आपका जनरल फॉर्मूला मिल गया है। कुछ सा कुत्ता ही हार्ड इसमें बोलो तो आप लिख सकते हो, यहाँ भी अपने हिसाब से खुद ट्राई करो। चलो ओके, पोज करके। तो ये जो थियरी थी इसके अंदर बहुत सा इजी टॉपिक, और बहुत वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि जनरल में टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स को बोल रहा होता हूँ, ये सर थोड़ी सी आपकी स्पीड ज्यादा जा रही है, मैं राइट? आप भी यही सोच रहे होते हैं। तो देखो मैं चाहूँ तो ये कम स्पीड से बना सकता हूँ, जैसे काफी सारे दूसरे टीचर समझाते हैं पूरे आधे आधे घंटे में एटलीस्ट एक टॉपिक भी प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम करा पाते हैं। और मेरे यहाँ कुछ ऐसा है कि मैं मैक्सिमम ज्यादा स्पीड से दो टॉपिक को कवर करने का ट्राई करता हूँ। समझ लो बेटा, मुझे आपको आपको ज्यादा डालना है, आपको ज्यादा कंटेंट देनी है कम टाइम, बिकॉज मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये कोई मेरा डेमो लेक्चर्स नहीं है, समझ लो कि मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आना ही पड़ेगा। क्यों? एकदम आराम से कोई एक टॉपिक को पूरा आधा घंटे में समझाऊंगा तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में। लेकिन बेटा ऐसे समझाने बैठेंगे तो खाली हम टेक्स्ट बुक ही कवर कर पाएंगे, हमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीज कवर करनी है। और दूसरी चीज, इतनी स्पीड से मैं यदि आपको समझाने वाला हूं, मेरी टीचिंग मेथड इसी स्पीड से होगी, तो आपकी लर्निंग स्पीड भी वो ही होगी, बिकॉज यू आर हैबिटेड टू लर्न दिस टाइप। और दिस वे से, यदि इस वे से आप लर्न कर रहे हो, सॉरी सीख रहे हो, यदि मेरा टीचिंग यदि ऐसा स्लो है तो आपका लर्निंग भी स्लो होगा, और लर्निंग स्लो होगा तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, मैक्सिमम कंटेंट कवर करने वो नहीं कर पाओगे। तब बोला कि सर लेकिन पता तो चलना चाहिए। तो बेटा पता चलना ही चाहिए, आप अपना दिमाग को मेडिटेशन से कोई भी इसी हिसाब से साफ बनाओ कि कोई भी सामने वाला बंदा इतनी स्पीड से बोले तो भी आपको सुनने में समझने में आ जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप बोले कोटा राजस्थान में दो तीन जो अच्छे फैकल्टीज है वो क्या करते हैं इतनी, ये तो मेरी स्पीड कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते। ओके, तो थोड़ा आप ट्राई करो, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ लिनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाया, फटाफट वन बाय वन यहाँ जाते हैं। पहले लिख दिया हमने क्या? वेरी गुड, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला।
लेमडा सरफेस चार सिग्मा और वॉल्यूम के लिए रो। यूनिट लिख दिया तीनों के, क्यू का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ क्यू का फिगर बना दी, फिगर बना दी। बाद में जो क्यू था, यहाँ हमने थोड़ा सा एरिया डीए लिया था, तो उसमें चार्ज कितना है क्यू डी क्यू, तो वो चार्ज का लेमडा के फॉर्म में आंसर हमने निकाला। ओके, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म के अंदर समझ में आया, क्योंकि काफी बार चार्ज नहीं दिया होता है, ये दी होती है वैल्यू, तो यदि ये वैल्यू दी होती तो हमें ये फॉर्मूला से पहले चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। पता चल रहा है ये क्यू किया हमने, ओके, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों, पक्का श्योर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ, इट इज द मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक फॉर 10th, सॉरी 12th स्टैंडर्ड, गारंटेड बेटा आएगा ही गॉस लॉ। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गॉस लॉ के बेस पे काफी सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आप इजीली कवर कर पाओगे। ओके, और न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज होता है गॉस लॉ का। तो क्या है गॉस लॉ, तो याद करो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स फाइ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी, याद है? अब बोलोगे सर कहां चले गए, तो पानी पीने। ओके, श्योर, बढ़ते आ गए, आप भी पी लो पानी, स्टॉप करके ले गॉस लॉ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो हमने फ्लक्स वाले टॉपिक से सीखा था, जो था कुछ इस हिसाब से, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, एम राइट और रॉन्ग, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो उसको कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में इस हिसाब से लिखते हैं, क्या, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, एम राइट और रॉन्ग लिखते थे फ्लक्स लॉ, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में। तब अब उस फॉर्मूला का यूज करके फ्लक्स फाइंड करेंगे कोई अलग 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 समझ लो कि डिवाइस का, यानी कि अलग अलग कंटेंट है, जैसे ये समझ लो वायर है, एरिया है, वॉल्यूम वाली चीज है, स्फीयर है, ओके, सिलेंडर है, कोई भी हो सकता है वो। तो गॉस लॉ के अंदर एक चीज हमने, जैसे आपको यदि पता हो तो हम जनरली एक चीज याद रखते थे, ये जो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है समझ लो मुझे, ये जो है एरिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक सिमेट्रिकल सरफेस ले, सॉरी बेटा, क्या करूंगा मैं, एक समझ में आ रहा है, एक ऐसा सरफेस ले लूंगा जो सिमेट्रिकल हो, क्योंकि ये जो है वो सिमेट्रिकल नहीं, मुझे एरिया यहाँ फॉर्मूला में डालना है, तो मैं क्या डालूंगा इसका एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। गॉसियन सरफेस में समझ में आ रहा है क्या, कि एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम जनरली यूज करते हैं, जो एग्जिस्टेंस सरफेस है उसका एरिया निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि गॉसियन लॉ इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। अब यदि चार्ज यहीं कहीं है ही नहीं, यहाँ कोई भी जगह चार्ज है ही नहीं, तो हम ये एरिया ले या फिर ये एरिया ले, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहे बच्चों। सो अब एग्जांपल फॉर, चलो डायरेक्टली एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। गॉस लॉ क्या है वो मैं बाद में समझाता हूँ, ओके, वैसे तो अभी समझ गए हो, एक स्टेटमेंट आपको गॉस लॉ लिखना है, तो एक स्टेटमेंट को लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गॉसियन सरफेस, या फिर खाली सरफेस लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं ज्यादा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट, काफी सारे स्टूडेंट्स को यदि कोई दिक्कत हो तो 10-10 करके 10 सेकंड आगे बढ़ा देना है, ओके, जो मैं लिख रहा होता, कोई भी दूसरी ऐसी फिगर्स ड्रॉ कर रहा होता, तब अदरवाइज You can watch it regular base, right? Because क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए ना कैसे ड्रॉ होती चीज। तो गॉसियन सरफेस में हम यदि फाइंड करना है, मुझे समझ लो, मेरे पास कोई एक स्फीयर है जिसका मुझे गॉसियन सरफेस, सॉरी
फ्लक्स फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो समझ लो यहाँ मैंने छोटा सा भाग ले लिया, ये तो पूरा है ही डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लेकिन थोड़ा सा मैंने एरिया लिया, वो एरिया है समझ लो डी एस। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस हिसाब से होगी, दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ई कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेते, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ ई इंटू डी एस ऐसे आता है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट को यदि मैं हटाऊ, समझ लो डॉट प्रोडक्ट तो मैंने हटाए तो थीटा लगेगा और कॉस जीरो हो जाएगा वन, उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन। तो अब बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ई यदि मैं बाहर निकाल लू तो डी एस। अब ये जो सरफेस लिया उसका रेडियस आर है, तो बट बोलो बच्चों एरिया क्या होगा? वेरी गुड, 4πr² स्फीयर है इसलिए, तो इंटीग्रेशन ई इंटू 4πr². अब बच्चों फ्लक्स का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4πε0 इंटू q/r², मैं राइट वर्क q/r² इंटू 4πr², तो देखो 4π कट r² कट, तो एक्चुअली जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला मुझे वो q/ε0। यू आर शॉक्ड दैट हाउ इट इज पॉसिबल कि r के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फ्लक्स, क्या सर सही है? तो हाँ बेटा सही है, आ रहा है ना फॉर्मूला में, यानी कि जब आप गॉसियन सरफेस लेते हो तब इट डजंट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एरिया, यानी कि मैंने अभी भी बाहर यहाँ बात की थी आपको यही बताया था कि ये मैंने सरफेस चाहे कितना भी बड़ा लूंगा इस सरफेस के ऊपर तो वैसे ही फ्लक्स डिपेंडेंट नहीं है। तो काफी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर ये सरफेस यदि आपने छोटा बड़ा ले लिया तो क्या फ्लक्स में चेंजेस होगा? इट डजंट अफेक्ट, क्यों? फ्लक्स का फॉर्मूला में चार्ज डिपेंड कर रहा है नहीं कि एरिया, और वो चार्ज कौन सा है? वो चार्ज कौन सा है? तो टोटल चार्ज Enclosed by the Gaussian surface. ये चार्ज क्या है? चार्ज enclosed by Gaussian surface. और epsilon नोट तो आपको पता है परमिटिविटी, इट इज अ फिक्स वैल्यू है 8.85 वाली। तो फ्लक्स का एक तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, और दूसरा फॉर्मूला मिला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। काफी सारे पिक्चर्स को ये दिक्कत हो तो आप सिग्मा क्यू की जगह खाली क्यू लिख सकते हो, लेकिन क्यू क्या है वो आपको याद होना चाहिए। वो क्या है? चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये जो सिग्मा क्यू है वो कितना होगा? जो इंक्लोज्ड सॉरी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है ना उसकी वैल्यू है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, एकदम इजी टॉपिक है। ओके श्योर समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ हम प्रॉपर गॉस लॉ लिख सकते हैं, वो तो आगे तो खाली फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने समझाया था, वो गॉस लॉ नहीं था। यदि मुझे गॉस लॉ लिखना है अब ये फॉर्मूला मुझे बहुत काम आने वाला है, क्यों? तो यदि मैं उसका गॉस लॉ, पहले तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं याद रखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सर्फेस, यहां मैंने याद रखना होगा मुझे क्लोज सर्फेस लेना है, एनी क्लोज सर्फेस is equals to ratio of the charge enclosed by the surface to epsilon not permittivity. एक तो वो था ही, वो तो था ही, एक तो क्या total electric flux associated with any surface is surface integration of electric field over the surface, एक तो था ही वो। दूसरा ये formula मिला total flux associated with the any closed surface is ratio of the charge enclosed by the surface टू द परमिटिविटी, चार्ज एनक्लोज बाई द गॉसियन सरफेस टू द परमिटिविटी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आपका एक तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो और एक इस हिसाब से, दोनों सही है लेकिन प्रॉपर तरीके ये लिख सकते हो कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। ओके क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट, समझ में आ रहा है बच्चों पक्का? सॉरी श्योर, कोई डाउट डिफिकल्टी पूछ लो। पहले तो आपको फ्लक्स का दूजूत पुराना वाला फॉर्मूला लिखना है, बाद में आपको क्या करना है, एक स्फीयर ले लो, फ्लक्स का वो फॉर्मूला लिख दो, यहाँ लिख दिया वैसे, और आगे बढ़ते रहो। ओके बाद में इंटू डी 4πr² 4π
4 pi r square कर तो q upon epsilon, okay? अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, वैसे जो जनरली फॉर्मूला मुझे मिला फ्लक्स का, वैसे ही सारे डिस्कस हो चुके लेकिन एक बार रिवाइज कर देते सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गॉस लॉ. फर्स्ट, इट ऑलवेज अप्लाइड ऑन द क्लोज्ड सरफेस, नो मैटर व्हाट द साइज एंड शेप, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी, नो मैटर व्हाट साइज व्हाट शेप, कौन सा शेप लेते हो, कौन सा साइज लेते हो क्वेश्चन सरफेस का, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, बस खाली क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ओके. अब दूसरा जो पॉइंट है वो भी ऑलरेडी हम वैसे क्लोज सरफेस मैंने डिस्कस कर लिया था ऊपर ही. दूसरा जो पॉइंट है वो क्यू के बारे में, क्यू, तो ये जो क्यू है वो क्या होगा, राइट साइड जो क्यू है वो क्या है, ए चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, आई होप समझ में आया बच्चों. तीसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग है, ये जो लेफ्ट साइड, ये हम राइट साइड की बात की फॉर्मूला, लेफ्ट साइड जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस का है, यानी कि कितने भी चार्जेस हो, जितने सिस्टम के अंदर चार्ज हो, सारे चार्ज की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो होगी. समझ में आ रहे बच्चों, श्योर. और फोर्थ टॉपिक है हमारा कि यहां हमने बात की थी व्हाट द मैटर साइज एंड शेप, हाँ शेप के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन लेकिन इट इज इजी टू कैलकुलेट द गॉस लॉ, गॉसियन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें फाइंड करनी है तो थोड़ा इजी होगा जब सिमेट्रिकल एरिया हो, सिमेट्रिकल शेप हो. सिमेट्रिकल के बारे में समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिकल यानी कि या वो सर्कल होना चाहिए, या वो स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, इस टाइप का सिमेट्रिकल होना चाहिए, ओके ऐसे होना चाहिए, पक्का श्योर. अब ये जो समझ लो एग्जांपल फॉर, यदि मैं बात करूं, थोड़े से एक टॉपिक है जो ले लेते हैं, वैसे चार्जेस है क्यू वन क्यू सॉरी क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव. अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, अब मुझे गॉस लॉ लेना है, समझ लो मैंने यहाँ गॉस लॉ लिया, गॉसियन सरफेस लिया, यदि मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस लिया तो फ्लक्स का फॉर्मूला था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सिग्मा क्यू में कौन से वैल्यू आएगी, तो क्यू वन आएगा, क्यू थ्री आएगा और क्यू फोर आएगा, याद रखना. समझ में आ रहा है बच्चों, इसकी कोई कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस से बाहर है. तो ये जो चार्ज है फॉर्मूला में, मैं बार बार यही चीज रिपीट करने वाला हूँ, वो इंक्लोज्ड बाय सरफेस है, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो है ना वो है ये, ओके, नहीं कि उसके बाहर की, तो ये हमें लेना नहीं. और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, पक्का, डाउट कोई डिफिकल्टी कोई नहीं है, आगे बढ़े, श्योर पक्का, ओके थैंक यू. अब हम आगे बढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू गॉस लॉ, वैसे सॉरी टॉपिक था ये, एक्चुअली ये जो अभी मैंने समझाया है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू गॉस लॉ वही था एक्चुअली, जगह थी याद नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा है, वही टॉपिक जो अभी मैंने ऊपर समझा वही है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ, तो चलो सर लॉ समझ दिया, जैसे न्यूटन्स ने लॉ दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, विच इज यूज टू फाइंड द मास, विच इज यूज टू फाइंड द फोर्स, लेकिन सर इसका तो क्या यूज होगा हमें, गॉस लॉ का यूज बताओ, चलो ओके, हम गुजराती मारवाड़ी या फिर कोई भी लोग होते, हिंदुस्तानी लोग, इंडियन लोग, एप्लीकेशन से ज्यादा महत्व, इसका फायदा क्या है, कोई भी चीज फाइंड करो, ऐसे फाइंड करो जिसका फायदा होना चाहिए, तो चलो उसका फायदा भी हम समझा देते हैं, क्या है फायदा उसका. यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है, क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर, समझ लो एग्जांपल फॉर, ये वायर ले लेता हूं, अच्छा टूट गया भाई, थैंक यू. अरे यार थोड़ा मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट व्यू तो मिल रहे हैं, लेकिन देख तो रहे मेरे स्टूडेंट, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालना बंद हो चुके, यार थोड़ा सा कमेंट डाल दो,
लाइक भाई कर दो, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत है। यार वो क्या बोलते, किक मिलती है या ज्यादा लाइक या ज्यादा कमेंट्स है। काफी बार यार ऐसा सोचता हूँ कि उससे तो बेहतर अच्छा है कोई कॉमेडी वीडियो बना लेता। ओके एटलीस्ट लाइक तो मिलती है सभी की। ओके एटलीस्ट चलो स्टूडेंट्स को तो नहीं, फ्रेंड सर्कल को तो शेयर करके उसकी लाइक कमा सकते। ये तो यार फ्रेंड को भेजूंगा तो भी वो बोलेगा यार अब तो छोड़ दे इससे पीछा। ओके चलो, मैं तो यार फिगर बना रहा था इसलिए टाइम पास कर रहा था। चलो बैक टू द टॉपिक, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है? यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। देखो गॉस लॉ का मेन यूज फ्लक्स फाइंड करना नहीं है, याद माइंड में से डाल दो, मेन यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके अब बोलोगे सर ये क्या है, वायर तो था वो तो समझे, वो इन्फिनिटी है, वो चल ही रहा है, वो तो थोड़ा सा लैपटॉप बड़ा नहीं है ना मेरा इसलिए थोड़ा सा स्टॉप कर हुआ। ये मैंने गोशियस सरफेस लिया, जो भी चीज का हमें फील्ड फाइंड करना है तो छोटा सा भाग को कवर करें ऐसा क्या ले लेंगे हम, गोशियन सरफेस ले लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? अब मुझे वो सरफेस का लेंथ यानी कि जिसको हम हाइट बोलते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस है, और ये जो रेडियस है उसका हम आर ले लेते हैं। तो बच्चों पहले तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जो वायर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? तो पॉजिटिव मेजर निकल के, यानी कि इस टाइप के होगी, होगी कि नहीं बच्चों? अब ये जो सरफेस हमने लिया गॉसियन सरफेस, उसमें तीन पार्ट्स है, एक तो ये कर्व पार्ट्स, एक ये साइड वाला पार्ट्स, और ये एक साइड वाला पार्ट, यानी कि वैसे तो दो पार्ट्स बोल सकते, कर्व एंड टॉप बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप पे आप देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस हिसाब से ही होगी, बॉटम के साइड भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस हिसाब से होगी, लेकिन क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है E इंटू डीएस, E इंटू डीएस कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा यदि डॉट प्रोडक्ट ये निकाल दे तो डॉट। ओके तो ये जो एंगल भी हमें मायने रखना है ई एंड डीएस के बीच का, तो यहाँ डीएस यानी कि एरिया, एरिया वेक्टर क्या होगा? तो ये जो देखो समझ में आ रहे बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझ लो बाद में बहुत इजी है टॉपिक। ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, उसके तीन पार्ट्स हैं, एक तो काउ पार्ट्स, काउ सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला 2πRH आता है, यहाँ एच नहीं है लेंथ इसलिए 2πRL ले लेंगे। एक टॉप है ये भाग समझ लो 1 नंबर का, 2 नंबर का, और ये 3 नंबर का, ये बॉटम ले लेते हैं। काउ सरफेस इसको हमने 2 नंबर दिया, तो टॉप में क्या होगा? वैसे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आएगा दोनों का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एंगल है ना वो दिक्कत करेगा। क्यों? देखो ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, कोई भी वेक्टर, कोई भी सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, सरफेस का एरिया वेक्टर लेना है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता ही है, तो ये एरिया वेक्टर हुआ डीएस। यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल है, यानी कि कर्व सरफेस वाले भाग में एंगल कितना है ई एंड डीएस के बीच में? 0 है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ चीज है, ये जो है ये भाग उसका एरिया वेक्टर मैं लू तो इस हिसाब से आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो सिमिलरली यहाँ भी यही चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, एरिया वेक्टर यहाँ है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है 90। अब आपको पता है बच्चों ई डी एस कॉस 90 क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस कॉस 90, कौन कौन सा फ्लक्स? तो टू टू कौन सा है, टॉप नहीं, टू का सरफेस एरिया है, तो हम 1 नंबर का ले, 1 ये बा ये 1 ये 2 और ये भाग है 3। तो सर का सॉरी फ्लक्स एट द पॉइंट ए यानी कि एरिया ए कॉस 90 0, तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है पक्का? एंगल कहाँ है ये 1 पॉइंट, यानी कि ये सरफेस में एंगल कितना है ई और डीएस के बीच में, ई डीएस के बीच में कॉस 90, तो कॉस 90 हो जाएगा 0 के, 0 से 0 के साथ कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0।
ये टॉप की बात है, ये बॉटम यदि ले लेते, बॉटम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, तो सिमिलरली यही चीज होगी, EDS cos 90 और cos थीटा cos 90 हो जाएगा जीरो, तो फ्लक्स 83 पॉइंट बॉटम यहाँ है ना थ्री नंबर पे, ये तो जीरो हो गया। अब बात करेंगे हम कर्व भाग के अंदर, तो कर्व भाग में फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई इनटू डीएस होगा कि नहीं, और cos cos 0 1 क्योंकि थीटा क्या है, थीटा क्या है बोलो बच्चों, यहाँ ये सेकंड कर्व भाग में थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो है इसलिए हम क्या लेंगे cos 0 इज इक्वल टू ई इंटू डीएस। अब डीएस क्या होगा बच्चों, डीएस क्या है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो हमें फ्लक्स एट द कर्व सरफेस मिला ई इंटू 2 पाई आर एल, तो एटलीस्ट हमें फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो हमने कवर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ। अब इज इक्वल्स टू आपको याद है क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट था, क्या था क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट, तो हम उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यदि फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला मिला मुझे टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, ये सॉरी टू नंबर का फ्लक्स है कर्व सरफेस, फाइव वन जीरो फाइव टू मिला ई इंटू टू पाई आर एल, फाइव थ्री जीरो तो टोटल फ्लक्स मुझे मिला ई इंटू टू पाई आर एल। आई होप आपको समझ में आ गया, टोटल फ्लक्स मुझे मिला ई इंटू टू पाई आर एल। अब क्या करेंगे बच्चों, फ्लक्स का एक फॉर्मूला मुझे मिल गया ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा क्यू क्या है, चार्ज, सिग्मा क्यू क्या है चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला पता है। अब वैसे आपको याद हो तो ये क्या है, चार्ज क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड था ऐसे, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इंटू एल होता है कि नहीं बोलो बच्चो, लेमडा इंटू एल क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसमें चार्ज को यदि मेन बना दो तो सिग्मा क्यू चार्ज यानी कि लेमडा इंटू क्या हो जाएगा एल अपॉन एप्साइलॉन नॉट, तो इस साइड पे आप देखो एल था, एल एल हो जाएगा कट, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं मेन बना लू ई को, तो ये जो टू पाई आर है वो नीचे आ जाएगा, हो जाएगा कि बस, तो बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया है ना, इजी सच में इजी है ना बोलो, यदि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये स्केलर फॉर्म में था, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे कुछ लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r इनटू r के, एक ही है कोई नया नहीं है। अब थोड़ा सा आपको इजी कर दूं ये फॉर्मूला, थोड़ी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़ा लर्न करने में दिक्कत हो रही हो तो बच्चों, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ऊपर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों के साइड किया, तो आप देखो ये 2 2 जा 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये आपको इजी कर रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, ये लिख लो तो अच्छा है, सर को भी मजा आएगा कि ये ना बंदा तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो जाता था बोलो, के 2 लैम्डा अपॉन यहां क्या था एक r बचा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या किसका है, ये लॉन्ग वायर का 2 के लैम्डा अपॉन r, वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं तो r के बोलो है ना, इसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर, लेकिन इनफिनिटी पे याद रख, फिनाइट के लिए दूसरा फॉर्मूला आता है जे डबल के लिए है वो, तो बच्चों समझ में आया आपको पक्का, ये थोड़ा आपको तब इजी लगेगा जब 3 से 4 टाइप की इस टाइप की थियरी करोगे ना, तब थोड़ा ही आपको अभी टफ लगने वाला, क्योंकि थोड़ा टफ है सच में ओके, लेकिन 2 से 3 बार इस वीडियो को वापिस रिवाइंड करो और देख लो का आप उसको क्या कर लोगे लर्न कर पाओगे। सो बस आज के लिए बस इतना ही,
मुझे निकुंज सर को आप जानने की इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसलिए आपको काफी सारे ऐसे नए नए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है बच्चों। देखो चैनल के ऊपर इस टाइप के वीडियोस डालना स्टार्ट किया था मैंने बहुत थोड़े टाइम पहले, अब थ्रू आउट द ईयर इतनी कंटेंट में डालने वाला हूँ, तो हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके सो थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट लेक्चर में दो तीन इस टॉपिक है थियोरिकल, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे पार्ट सेवन के अंदर, और बाद में पार्ट ए से अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज एंड जेडब्ल्यू की क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय बाय।